एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ अदिति और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइज, आज मैं आपके लिए जो तीन एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ उनमें हम सीखेंगे कुछ इन तरीकों के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, जैसे कि तब वो अपने होशोहवास में नहीं था, वो अपनी जिद पर अड़ी है, और कितना समय लोगे तुम। हर एक स्ट्रक्चर का पहले हम मतलब समझेंगे, उसके बाद उसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखेंगे, और फाइनली हर एक स्ट्रक्चर को लेकर चार चार एग्जांपल्स के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे भी, जिससे आपको हर एक स्ट्रक्चर को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सब याद भी हो जाएंगे। चलिए अब और देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और देखते हैं कि आज के तीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है अपने होशो हवास में, जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए इन वंस राइट माइंड का यूज होता है। यहाँ पर राइट माइंड का मतलब है होशो हवास से। इसका रूल देखिए, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, डू, डज, हैज, हैव। इसके बाद आता है इन, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, और लास्ट में आता है राइट माइंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए इस पर बेस्ड। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। आई एम इन माय राइट माइंड, आई एम इन माय राइट माइंड। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, इसके बाद एम आया है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट और आई सब्जेक्ट है, इसलिए एम आया है। इसके बाद आया है इन, इसके बाद सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आया है माय, और लास्ट में आया है राइट माइंड। तब वो अपने होशो हवास में नहीं था। ही वॉज नॉट इन इज राइट माइंड देन, ही वॉज नॉट इन इज राइट माइंड देन। वो अपने होशो हवास में ऐसा कभी नहीं करेगी। She will never do that in her right mind. She will never do that in her right mind. और अगर बोलना हो, क्या वो अपने होशो हवास में नहीं है? ये है एक interrogative sentence. तो इसको हम helping verb से start करके बनाएंगे और बोलेंगे, Is he not in his right mind? Is he not in his right mind? सारा structure same follow हुआ है, बस helping verb को हमने पहले use कर लिया है sentence में, यानी कि is पहले आ गया है, इसके बाद आया है सब्जेक्ट ही, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम फॉलो हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तुला है, तुली है, या फिर तुले हैं का, जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए बेंट ऑन का यूज होता है। बेंट ऑन का मतलब है तुला है, तुली है, या तुले हैं। रूल देखिए इसका, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद बेंट ऑन आता है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर नाउन आता है, जो कि डिपेंड करता है कि हम अपने सेंटेंस में किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम अपने सेंटेंस में किसी काम पर तुले होने के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और अगर किसी चीज पर तुले होने के बारे में बात कर रहे हैं तो नाउन आता है, और लास्ट में आते हैं अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में कुछ बच जाते हैं तो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए जिससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। मैं वो नौकरी पाने पर तुला हूँ। आई एम बेंट ऑन गेटिंग दैट जॉब, आई एम बेंट ऑन गेटिंग दैट जॉब। इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग हुई है सब्जेक्ट से, जो कि है आई, इसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई है एम, इसके बाद बेंट ऑन आया है, इसके बाद गेटिंग आया है जो कि है वर्ब की आई एन जी फॉर्म, क्योंकि इस सेंटेंस में हम किसी काम पर नौकरी पाने पर तुले होने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है एक काम, और लास्ट में आया है दैट जॉब। वहीं अगर बोलना हो कि वो अपनी जिद पर तुली है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज बेंट ऑन हर स्टबर्ननेस, शी इज बेंट ऑन हर स्टबर्ननेस। यहाँ पर ये स्टबर्ननेस है नाउन, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने किसी काम पर तुले होने के बारे में बात नहीं की है, बल्कि किसी चीज पर तुले होने के बारे में बात की है, जो कि है जिद। और अगर हमें बोलना हो कि वो नया घर खरीदने पर तुला है तो इसको बोलेंगे, ही इज बेंट ऑन बाइंग अ न्यू हाउस, ही इज बेंट ऑन बाइंग अ न्यू हाउस। एक और एग्जांपल देखिए, क्यों उसे भड़काने पर तुले हो, व्हाई आर यू बेंट ऑन इंस्टिगेटिंग हिम,
Why are you bent on instigating him? Instigate का मतलब होता है भड़काना. Last structure है आज का और कितना, जिसको English में बोलने के लिए how much more का use किया जाता है. एक बात का ध्यान रखिए कि इन sentences में हम uncountable nouns के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे nouns या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको हम count नहीं कर सकते. रूल देखिए इसका, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है हाउ मच मोर, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट होता है तो. ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो. इसके बाद आती है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आता है सब्जेक्ट और लास्ट में आता है मेन वर्ब, जो कि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है. लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस को लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. और कितना बोलोगे, हाउ मच मोर विल यू स्पीक, हाउ मच मोर विल यू स्पीक. इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग करी है हाउ मच मोर से, इसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, जो कि है विल. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हाउ मच मोर के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आ गई है विल. इसके बाद आया है सब्जेक्ट यू और लास्ट में आया है मेन वर्ब स्पीक. वो और कितना वक्त लेगी, हाउ मच मोर टाइम विल शी टेक, हाउ मच मोर टाइम विल शी टेक. इस सेंटेंस में देखिए ये जो टाइम है ये है ऑब्जेक्ट, जिसका यूज हमने हाउ मच मोर और जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल इनके बीच में किया है. और कितना पढ़ू मैं, हाउ मच मोर डू आई स्टडी, हाउ मच मोर डू आई स्टडी. एक और एग्जाम्पल देखिए, और कितनी चीनी डालोगे चाय में, हाउ मच मोर शुगर विल यू एड इन द टी, हाउ मच मोर शुगर विल यू एड इन द टी. सो गाइस ये थे आज के 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स. अब आपकी स्क्रीन पर जो ये 3 सेंटेंसेस हैं इनको आप ट्रांसलेट कीजिए. बताइए मुझे कि किस वाले सेंटेंस को किस वाले स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेगी. चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.